सर, ये विगत 3 दिनों से जो धरना प्रदर्शन अधिवक्ता कर रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार कुछ बताएं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगा सभी से कि धरना प्रदर्शन से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और कई बार अधिवक्ताओं से निवेदन भी कर लिया गया है कि अगर उनकी कोई जेन्युइन डिमांड हो, कोई उनको समस्या हो, तो आके अपनी बात कहें, बात करें। लेकिन अपनी बात ना कहना और सिर्फ धरना प्रदर्शन करना, और अगर मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोर्ट क्यों चल रहा है, तो मुझे लगता है वो शायद न्यायोचित नहीं। कोर्ट का चलना ज़रूरी है, शासकीय हित में है, सार्वजनिक हित में है, जनहित में है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो 42 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से निकलते हैं, एक टाइम का खाना अपना पैक करते हैं, जिनकी दिहाड़ी 200-300 रुपए होती है, और दिन भर वो इंतज़ार करते हैं कि आज कोर्ट चलेगा तो मेरी फाइल जो हो सकता है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सिर्फ लटकी हुई है, उस पर हो सकता है आज कुछ कार्रवाई हो जाए। और उसके बावजूद भी ऐसे गरीब असहाय तबके का अगर समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं चलाएंगे और उनको अगले 10-20 साल तक फैसला नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरीके से न्यायोचित कहा जा सकता है। आम तौर पे मैंने देखा है कि धरना प्रदर्शन होता है, विरोध होता है इस बात को लेके कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा मैं पहला मौका के साथ देख रहा हूँ जहाँ पे धरना प्रदर्शन इस बात को लेके है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया काम क्यों कर रहे हैं, क्यों कोर्ट चला रहे हैं। कोर्ट चलाना तो हमारा उत्तरदायित्व है, फैसले करना हमारा उत्तरदायित्व है, ऐसा न्याय देना हमारा उत्तरदायित्व है जो त्वरित हो, सस्ता हो, सुलभ हो, और जिसके लिए लोगों को बेवजह, बात करने को बेवजह सालों साल इंतजार ना करना पड़े। कितने सारे फैसले हैं मेरे ज्वाइन करने के बाद जो पिछले 15-20 साल से जिनके फाइलों का नंबर नहीं लगता था, उनके फैसले हो चुके हैं पूरी तरह, और इसका प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप लड़ाइयाँ देखेंगे, मारपीट देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखेंगे, तो उनका मूल विवाद हमेशा संपत्ति से संबंधित ही होता है। कहीं ना कहीं उसी से वो रंजिश में कन्वर्ट होता है, टीज में कन्वर्ट होता है, मनमुटाव में कन्वर्ट होता है, और उनका स्थायी समाधान सिर्फ कोर्ट के फैसले से ही संभव है। तो अगर कोर्ट नहीं चलेगा तो आम आदमी जो कोई छुट्टी लेके आया है अपनी तारीख पे, कोई अपना पूरी दिहाड़ी मार के आया है, सुबह से इतनी गर्मी में कोर्ट में इंतजार कर रहा है, उनको हम कैसे न्याय दे पाएंगे? तो मुझे लगता है वर्तमान में जो कंडीशन चल रहा है, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान यही है, मुझे लगता है हमारे विद्वान अधिवक्ताओं को समझना होगा कि उनका और हमारा उत्तरदायित्व एक ही है कि जो आम जनता है, कॉमन जनता है, आम जन है, उनका हित जिसमें हो वही किया जाए। और मैं तो किसी भी तरीके से ये सोच पाने में असमर्थ हूँ कि आम जनता का या जनहित इस बात में होगा कि अधिकारी काम करना बंद कर दें, कि अधिकारी कोर्ट चलाना बंद